वेलकम बैक टू द चैनल दानिश के व्लॉग्स। उम्मीद होगी सभी अच्छे होंगे। भाई इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 नंबर से, तो आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं जो हसारी में मेला लग चुका है, वहां लेकर चलते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन कैसा क्या प्राइस है टाइमिंग वगैरह सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हसारी में, जो मेला लगा हुआ प्रदर्शनी उत्सव मेला। थोड़ा हम साइड इसलिए आ गए थे क्योंकि वहां गाने वगैरह बज रहे थे तो कॉपीराइट नहीं आ जाए, और ये वह बाहर से लोग। और सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं पार्किंग, यहां मोटरसाइकिल पार्किंग के 20 रुपए लगेंगे। तो गाइस जैसे ही हम मेले के अंदर एंटर होंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोगों को देखने मिल जाएगा कान्हा सुपर सॉफ्टी का काउंटर, और उसके आगे हम लोग चलेंगे तो ये पूरा बच्चों वाला सेक्शन तरीके से लगाया है झूला। तो ये रहे ट्रैम्पोलिन और ये रहे बच्चों के लिए झूले। मेले में हमारे देश का भविष्य, हमारे इंडियन व्लॉगर खो चुके हैं, पूरे में ढूंढ लिया हमने बट मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। अगर आपको कहीं दिखें तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मैं तो पूरे में उनको ढूंढ ही रहा हूँ बट मेरे को तो वो नज़र ही नहीं आ रहे। और हम आगे चलेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ड्रैगन ट्रेन, इसका ये रहा बाहर से काउंटर। और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, जितने भी यहाँ पर झूले हैं सभी का प्राइस सेम है 50 रुपये, तो यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा काउंटर से। और इसका थोड़ा बारिश वगैरह हो गई है ना तो थोड़ी गंदगी सी दिख रही होगी बट उसको इग्नोर करना। हसारी के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है। अब इसके आगे हम आएंगे तो ये रहा बोट वाला झूला, इसके भी 50 रुपये हैं। और इसके बगल में हम चलेंगे तो ये रहा है मिक्की माउस, जो कि बच्चों के लिए है, इसका प्राइस है 30 रुपये। 30 रुपये में बच्चे यहाँ पर फुल एंजॉय कर सकते हैं। और इसके हम आगे चलेंगे तो ये झूला रहा, यहाँ झूले आपको बेसिकली जितने भी देखने को मिलेंगे सभी का प्राइस सेम है 50 रुपये। और सबकी टिकट काउंटर आपको बाहर देखने को मिल जाएंगे, और कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे 3 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा, नशे की हालत में ना बैठे, गर्भवती महिला और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। मेला यहाँ के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है। गन शूटिंग का काउंटर, यहाँ पर आपको 30 रुपये में 6 और 50 रुपये में 12 छल्ले मिलेंगे, तो आप यहाँ पर निशानेबाजी भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सचेंज ऑफर नहीं है, लेकिन लेडीज 150 रुपये में दो और जेंट्स 120, जल्दी आओ लूट लो। क्योंकि लेडीज ने आदमी को चप्पल फेंक के मार, कोई आदमी। ये रहे लेडीजों के लिए काफी अच्छे अच्छे डिजाइनिंग वाले पर्स, और ये बच्चों का सेक्शन, यहाँ बच्चों के काफी सारे खिलौने मिलने वाले हैं, टेडी बियर वगैरह कार हो गए,
ये सारा बच्चे ही बच्चों का आइटम है। सबसे ज्यादा भीड़ लगने वाला काउंटर, हर एक माल 5 रुपए, काफी सारे आइटम है, जो भी चीजें हैं सारी 5-5 रुपए में। और ये रहा ज्वेलरी काउंटर, इस पर काफी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है, ये देख सकते हैं। अगर किसी फीमेल सब्सक्राइबर को चाहिए तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरफ यहाँ गोगल शॉप सारी चीजें हैं, और यहाँ पर खादी वस्त्र लूम है, काफी अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं शॉप पर। यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे बैग रखे हुए हैं, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप बैग। और ये लेडीजों के सजने के लिए लाली लिपस्टिक, बिंदी, पोनी ओनी, जुड़ा, सभी चीजें हैं। क्या ले रहे हो क्या वीरू भाई, एक आध बैग अपने लिए? ये वाला अच्छा पसंद आ रहा है क्या? बढ़िया है, ले लो बहुत अच्छे। और यहाँ हम लोग आएंगे तो यहाँ पर माल जो 5 रुपए का था, यहाँ 10 रुपए का काउंटर है, तो यहाँ सारा जो भी आइटम होने वाला है सारा आइटम 10 रुपए। काफ़ी अच्छा अच्छा फाइबर का आइटम है, अच्छे अच्छे मग हो गए, कप हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है देखने में, 4 तरह का खाना खा सकते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी हो गई चटनी वगैरह के लिए, काउंटर काफ़ी अच्छे हैं, आप भी आ सकते हैं शॉपिंग के पर्पज से, काफ़ी अच्छा लगा हुआ। और सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ पर रेट वगैरह बहुत ही कम है। कितने का है? 200 रुपये। अच्छी अच्छी वैरायटी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, स्टॉक बहुत ज़्यादा। हर एक माल 30 रुपये, हर एक माल 30 रुपये, ये सही है। सबसे ज़्यादा यूज आने वाली चीज़, ये देखा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान यूज आने वाली चीज़, जिससे औरतें रात अपने आदमियों को मारती हैं। प्लास्टिक का सेक्शन है, उस तरफ पूरा स्टील का आइटम, प्लास्टिक का। और ये देखो क्या बोलते हैं, साबुन दानी। लेकिन चाय इतनी अच्छी ले लो, 1-2 महीने में खराब हो जाती है। यहाँ पर काफी तरह के पर्दे पैरदान मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात है ना, रेट यहीं लिखे हुए हैं, ये सारे 100 के 2, 150 के 2, उसके आगे आएंगे 300 के 2, 400 के 2, और ये जो रहे हैं सारे, ये सब है 500 रुपए के 2। मेला तो गाइस काफी अच्छा लगा हुआ है, आसारी के हिसाब से तो काफी अच्छा है, बट बारिश हो गई ना तो उसके चक्कर में थोड़ी गंदगी हो गई है, बट उसको इग्नोर करो, मेला काफी अच्छा लगा है, तो आप लोग भी आके यहाँ विजिट कर सकते हो। किसको दोगे? ये आई फक यू, सॉरी, लव यू, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट। बच्चों के लिए काफ़ी सारे वैरायटियों के कपड़े हैं, यहाँ देख सकते हो आप, बच्चों के लिए, बच्चों के, बड़ों के लिए, सभी के लिए वैरायटी मिल जाएंगी, टी शर्ट वगैरह, लोअर, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, अपने शुगर कैंडी, बॉम्बे भेल हो गई, और जो सबसे ज़्यादा औरतों की चाहती चीज़ है वो है ये रहे गोलगप्पे, पानी की टिक्की, वो भी हमारे निवाड़ी वालों की। और यहाँ पर देवा कैंटीन, यहाँ पर चाय वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेला काफ़ी अच्छा लगा, और शाम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है, देखो कितनी भीड़ हो गई है, ये देख लो बच्चों की ट्रेन, बच्चे मज़े कर रहे हैं यहाँ ट्रेन में। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है ना, प्राइस बहुत कम है, 50 रुपये में कोई भी झूला झूलो, तो ये चीज़ यहाँ के लिए बहुत अच्छी है। तो भाई सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हसारी मेले के एड्रेस की, तो ये हसारी का पावर हाउस है, उसके जस्ट सामने ही
मेला आपको लगा दिख जाएगा। और टाइमिंग की बात कर लेते हैं, टाइमिंग शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक लगा रहता है। और बाइक पार्किंग के लगते हैं यहाँ पर 20 रुपये, और जितने भी आपको ये झूले दिख रहे होंगे सभी का लगभग किराया 50 रुपये, और जो बच्चों का है टेडी बियर उसके किराया है 30 रुपये। काउंटर सबको आपको मिल जाएंगे, जगह जगह बाहरी काउंटर बने हुए, तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। बस तो बारिश वगैरह हो गई तो थोड़ी गंदगी मिट्टी देखने को मिल रही है, जैसे कि दिख रहा होगा मेरे शूज़ वगैरह पूरे ख़राब हो चुके हैं, बट उसको इग्नोर करना है। तो आपको यहाँ पर आना है तो आप 5 बजे के बाद आएँ, सारे झूले वगैरह जब भी चालू होते हैं, दिन में यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। मेला घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ की पार्किंग में, और बात कर लेते हैं इस मेले की। तो ये मेला भी पूरे महीने लगने वाला, अगस्त का जो महीना है पूरे महीने लगने वाला, तो आप लोग भी आ सकते हो। और झांसी से भी काफ़ी ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो आप लोग झांसी से भी आ सकते हो। इस मेले में काफ़ी सारे झूले, खाने पीने की चीज़ें हो गई, और सामान वगैरह भी हम अपना खरीद सकते हैं जो कि काफ़ी सस्ते दामों में आपको मिलेगा। बाकी ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।